आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र की ये नॉमिनेशन की तस्वीर है। दोस्तों देखिए, उदयपुर में ये जो नामांकन के आज आखिरी दिन की जो तस्वीरें हैं, इसमें भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रकाश चंद्र अभी नॉमिनेशन करने के लिए इस तरह से अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट की तरफ पहुंच रहे हैं और आप भीड़ देख सकते हैं। देखिए, ये राष्ट्रपुर के कैमरे पर हम आपको बताएंगे, ये तस्वीरें हैं बापू बाजार के इलाके की और कलेक्ट्रेट की तरफ ये समर्थकों के साथ बढ़ते हुए। ये नॉमिनेशन के आखिरी दिन की ये इस तरह की तस्वीरें शायद आपको बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जैसा कि बांसवाड़ा में भी हमने इन्हीं पार्टी के कैंडिडेट की जो नॉमिनेशन की तस्वीरें देखी थी, इसके बाद आज उदयपुर में ये इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और नॉमिनेशन के दौरान की यदि हम आपको एक एक तस्वीर पर बात करें तो ये आप देखिए समर्थकों में कितना उत्साह है इस नॉमिनेशन के दौरान का। और देखिए, आज इस नॉमिनेशन की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर पार्टी की जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनमें से राजकुमार रोध का जो नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान 3 सीटें ये विधानसभा में जीतने के लिए ये कामयाब रहे थे, जीतने में कामयाब रहे थे। और इसी दौरान जब ये तस्वीरें अब हम देख रहे हैं तो बाबू बाजार इलाके की ये तस्वीरें हैं। दोस्तों, बाप पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र नॉमिनेशन करते हुए यहाँ आज देखे जा रहे हैं और नॉमिनेशन के दौरान की ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको बताएंगे। देखिए, चौराहे पर यदि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये लवादमा है, पुलिस का लवादमा है, सुरक्षा की दृष्टि से ये भी देखने को मिल रहा है। देखिए, समर्थकों का किस तरह का उत्साह है ये आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो लवादमा है अभी दिल्ली गेट चौराहे पर पहुंच चुका है और इस दौरान आप देख सकते हैं ये सिक्योरिटी पुलिस सुरक्षा के साथ समर्थक आगे बढ़ रहे हैं और समर्थकों में जो प्रत्याशी हैं पार्टी के समर्थक की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन अब जब ये प्रत्याशी हैं नॉमिनेशन के दौरान ऊंट पर सवार होकर समर्थकों के बीच पहुंचे हैं और ये तस्वीरें प्रकाश चंद्र जो कि नॉमिनेशन के लिए आज कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, और ऊंट भी अब ये पार्टी के इस नॉमिनेशन के दौरान ये तस्वीरों में एक बार फिर देखा जा रहा है। प्रकाश चंद्र इनका नाम है और ये बाप पार्टी से नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, ऐसे में बाप पार्टी की ये तस्वीरें नॉमिनेशन के दौरान एक बार चर्चा में ज़रूर देखी जा रही है। देखिए, दिल्ली गेट चौराहे के दौरान की ये तस्वीरें हैं। ये अब कार्यकर्ताओं के साथ साथ ये प्रत्याशी जो है नॉमिनेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
आप तक जाएंगे तो देखिए ये कलेक्ट्रेट पर पहुंच चुके हैं और नॉमिनेशन की अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नॉमिनेशन प्रोसेस यहीं से कहला सकता है और प्रकाश चंद्र अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। बजे 12 बजे भैया थोड़ा सा पीछे उठना। कार्यकर्ताओं के अंदाज हैं और प्रकाश जो कि भारतीय आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट हैं उन्होंने नॉमिनेशन किया है। इसके बाद समर्थक अब टाउन हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन ये इनका अंदाज है ये यहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कौन सा सुना सर? अच्छा ये गीत कब कब गाते हो आप लोग? ये गीत इसका पहले तो मतलब क्या है इस गीत का? इसका मतलब हमारे जो हमारे परंपरा रीति रिवाज है ना इस तरह से ये गीत हमारे परंपरा के हिसाब से चलता आता है और चलता रहेगा। ये
अभी ये शुभ अवसर पे गाया जाता है ये गीत? हाँ, इसका क्या मतलब हुआ क्या गीत का क्या माहौल के हिसाब से गाया जाता है? माहौल जैसा माहौल होता है उस हिसाब से गीत। अभी ये जो माहौल है इसके हिसाब से ये गीत गा रहे हैं। ये चलता रहेगा और ये आगे से आगे हमारे जो रीति रिवाज आगे आवाज कोई नोट आ पा रहा है इस हिसाब से हम आगे रीति रिवाज चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये इनके अंदाज है, लेकिन अभी हम इन सभी से बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब देखिए राजनीति में जो अंदाज है नॉमिनेशन का वो भी बदलते हुए देखा जा रहा है। समर्थक किस अंदाज में आते हैं अपने कैंडिडेट के लिए, किस तरह से नॉमिनेशन के दौरान अपना अंदाज भी दिखाते हैं, ये इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बापू बाजार के बीच में एक बार फिर नॉमिनेशन के बाद ये समर्थक पहुंच चुके हैं और जैसा कि इनका ये कहना है कि एक विशेष कुछ खुशी का अवसर होता है, इस दौरान अपने अंदाज में ये गीत गाते हैं और ये का जो प्रांगण है उस तरफ बढ़ चुके हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं टाउन हॉल इलाके में ये इस तरह की बैरिकेड्स लगाकर गाड़ियों को यहाँ रोका गया है और ये सब सुरक्षा की जो नज़र में है, सुरक्षा को लेकर मद्देनज़र, सुरक्षा के मद्देनज़र ये सब किया गया है। लेकिन समर्थक देखिए आप देख सकते हैं और जो प्रत्याशी ने एक नामांकन के दौरान अपना सब कुछ दमखम दिखाया है, क्या कहते हैं आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल को जय जोहार, जय आदिवासी। आज भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान का उदयपुर लोकसभा को लेकर नामांकन किया है प्रकाश चंद भुज ने। हमारा मानना है कि प्रकाश चंद भुज ने नामांकन नहीं किया, उदयपुर लोकसभा के हर वोटर ने नामांकन किया है। आदिवासियों को बचाने के लिए, जल जंगल बचाने के लिए, आदिवासियों को हक अधिकार को बचाने के लिए आज आप लोगों ने जिस प्रकार से प्रकाश चंद भुज के नामांकन में युवा साथियों का आपने जो संख्या देखी है, ये संख्या तो शुरुआती संख्या है। आने वाले समय में आप लोगों को आश्चर्य करेंगे कि ये क्या हो गया कि उदयपुर लोकसभा में कल परसों की आने वाली पार्टी विधानसभा में आई, 3 विधायक जीते, 4 विधायक सेकंड रहे और 12 विधायक थर्ड पर रहे और 13 लाख वोट लाने वाली भारत आदिवासी पार्टी लोकसभा में क्या इतिहास कर चुकी है। आप लोगों को मैं आपके चैनल से उदयपुर लोकसभा की जनता को अपील करता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार प्रकाश चंद भुज को अपना मत देकर लाखों वोटों से विजयी बनावें। और आज तो शुरुआत है, मैं अभी कलेक्ट्री में गया था, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मन्नालाल रावत, वो मन्नालाल रावत तो यहाँ से लोकसभा से एलिजिबल ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, फिर भी बीजेपी सरकार की तानाशाही है कि एक रावत एसटी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि रावत ओबीसी में आते हैं। आप लोग जानते होंगे, आपको चैनल को मालूम होगा, यहाँ पास में वल्लभ नगर विधानसभा जहाँ लाखों की संख्या में रावत लोग रहते हैं और रावत लोग ओबीसी में आते हैं। मैं अभी चुनाव आयोग को कंप्लेन करूँगा, चुनाव अधिकारी को कंप्लेन करूंगा कि मन्नालाल रावत कैसे एसटी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उसकी चुनाव आयोग में शिकायत करूंगा और अभी उनका फार्म रद्द करवाने की कोशिश करेंगे। हम भारत आदिवासी पार्टी के सारा चुनाव मतलब कार्यकर्ता जाकर मिलेंगे और आज आप लोग आए, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जय जवाहर। ये तो भारत आदिवासी पार्टी की शुरुआत है, आप देखते जाओ पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से हम लोग हमारे आदिवासियत को बचाने की कोशिश करेंगे। आदिवासी का मतलब खाली आदिवासी नहीं होते, ये मीणा लोग नहीं होते, इस धरती पर आदिकाल से निवास करने वाले हर इंसान को आदिवासी बोलते हैं, जो आदिकाल से इस धरती पर निवास करते हैं।
धन्यवाद, जय जवाहर। एक आपसे सवाल इसलिए कहने की, जिस तरह से बागीदोरा में उपचुनाव है और अभी इस उपचुनाव के साथ साथ यहाँ लोकसभा चुनाव हो रहा है, मालवीय जी अलग रूप में कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे देखे जा रहे हैं, मालवीय जी जिस तरह से सीट में, एक तरफ तो आपकी विधानसभा की सीट खाली हुई है, दूसरी तरफ वो लोकसभा के कैंडिडेट है, ऐसे में आप क्या देखते हैं इस सीट को? कोई नहीं, मालवीय लाखों वोटर हारेगा। जो आदमी सरकारी तंत्र ईडी सीबीआई की डर से पार्टी छोड़ के गया, कल तक तो वो कह रहा था कांग्रेस मेरी आई है, और वो आई बीजेपी आज उसका बाप बन गई और बाप से टक्कर लेने आया है। ये आदिवासी इलाका क्षेत्र है, जो आदमी आए दिन पार्टियां बदलते हैं, जो सरकारी दबाव के तहत बदलते हैं। मालवीय ने कल देखा नामांकन, जो कल डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा में भारत आदिवासी पार्टी का नामांकन था, वो लाखों की संख्या में लोग भीड़ थी। लोग कह रहे हैं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की जमीन एक एक इंच से दब गई है। क्यों दब गई? कि वहाँ युवा बेरोजगार आदिवासी जो 75-80 सालों से जिस मांग को संविधान में निहित है कि 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची के लिए लागू होनी चाहिए, वो आज तक लागू नहीं हुई। उसके लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों जिम्मेदार है। हमारे लिए चुनाव लड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए आदिवासियों के हक अधिकार बचाना इम्पोर्टेंट है। ये मुद्दे क्या देख रहे हैं आप इस चुनाव में? आपने जो भी विधानसभा चुनाव की तस्वीरें भी देखी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर हम देखते हैं तो आदिवासी बेल्ट की कई ऐसी समस्याएं भी हैं, लेकिन आपके मुद्दे क्या देखते हैं? मुद्दे सबसे पहले ये है कि हमारा प्रत्याशी लोकसभा में जाएंगे और पूरे देश में आदिवासियों की आवाज़ उठाएंगे। आदिवासी मतलब पूरे देश के युवा बेरोजगारों की आवाज़ उठाएंगे, और जो हमारी 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची जो लागू नहीं हुई भारत देश में आज तक आज़ादी के बाद, उसको हम लागू करवाने की कोशिश करेंगे। आप जिस मालवे की बात कर रहे हो, उसको यही पता नहीं कि 5वीं अनुसूची होती क्या है। उसको 5वीं अनुसूची का मतलब वो समझ रहा है कि बाप पार्टी वाले तो 5वीं पास को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ये उनको यही पता नहीं है। वो कह रहे हैं 45 साल से राजनीति में है। क्या राजनीति करते हैं आदिवासियों की? जिन आदिवासियों की राजनीति करते हैं, वो आदिवासी ही आज उसको बाहर निकाल देंगे बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से। जी तो दोस्तों देखिए, ये थे सुख संपत्ति जी, और इन्होंने एक अहम जो कीमती वक्त है वो निकाल कर हमारे साथ में ये अपने जो विचार है वो साझा किए। लेकिन आने वाले दिनों में ये चुनाव और भी इंटरेस्टिंग होना है। कार्यकर्ताओं से अब जानते हैं वो क्या सोचते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमने प्रकाश चंद्र के कैंडिडेट के नॉमिनेशन की तस्वीरें देखी है, अब ये कार्यकर्ता हैं और अपने अंदाज में भी ये गीत गाते हुए पहुंच रहे थे। सबसे पहले तो उस गीत की उन लाइनों को ही जानते हैं। ये जो गीत है वो क्या था, पहले तो यही बता दो थोड़ा आगे। ये जो वर्तमान में दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हाँ, इन राष्ट्रीय पार्टियों की हालत ऐसी हो गई है कि एक जो संतरा होता है या नींबू होता है वो सिकुड़ जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो हमारी भीली भाषा है, इस भीली भाषा के अंदर ये दोनों पार्टियां हैं, उन पार्टियों का बयान किया गया उसमें। ये कमल कांग्रेस रूह है पापा जी, लिंबड़ी है कमला जी, मतलब थोड़ा गा के पीने वाली दम की है पापा, लिंबड़ी है कमला जी, देखो हमारी जो ये पार्टी है ये क्षेत्रीय पार्टी है, और इस पार्टी का जो गठन हुआ है 10 सितंबर 2023 को ये पार्टी अस्तित्व में आई, और बहुत कमी समय में इस पार्टी ने राजस्थान के अंदर जो विधानसभा चुनाव थे उन आम विधानसभा चुनाव के अंदर यहाँ से राजस्थान से 3 विधायक चुन के गए हैं, और हमारा जो एमपी है पड़ोसी राज्य वहाँ से भी हमारा इस पार्टी से विधायक चुन के गए हैं, और ये पार्टी अभी वर्तमान में कम से कम इस पूरे भारत देश के अंदर 5 से 7 राज्यों के अंदर बीजेपी पार्टी से कैंडिडेट लोकसभा के अंदर उन्होंने उतारा है, और कहीं ना कहीं जो हमारे हक और अधिकार हैं वो हमारे हक अधिकार जो हम संविधान के अंदर जो 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात की गई है वो धरातल पर उसका जिस प्रकार से इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। इसलिए हम लोग इस पार्टी के द्वारा जो इधर सालों के अंदर जो कांग्रेस और बीजेपी से जो जिन नेताओं को हम चुन के भेजते हैं उन नेताओं ने हमारा हक और अधिकार की बात लोकसभा में जाके वो बातें नहीं करी है, उसके लिए हम शंकर लाल का ये कहना है कि जिस तरह से पार्टी में जो लोग हैं और वो आदिवासी के हितों की बात होनी चाहिए करनी चाहिए वो नहीं कर पाए, ऐसे में अब जो भारतीय आदिवासी पार्टी आ गई है तो ये लोगों के हितों की बात करेंगे। आपसे जानते हैं
क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या हित हैं जिन पर बात नहीं हो पाती है। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, मैं बेरुलाल नमा। आज देश आज़ाद हुआ और 75 साल हुए, और 75 साल के बाद में जब संविधान हुआ और उसी संविधान के नियम कानून के अनुसार आज पूरे देश का सिस्टम चल रहा है ना। और इस संवैधानिक देश में लोकतंत्र, जैसे कि लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है, ऐसा प्रचलित है। और उसी तर्ज पर हमारा जो ये एरिया है, PSP का जो एरिया है, शेड्यूल ट्राइब जो एरिया है, इस एरिया में आरक्षित आरक्षण की व्यवस्था है। जिस व्यवस्था से यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, छोटा मोटे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उसी के आधार पर बनते हैं। और यहाँ से बनने के बाद में जब जाते हैं तो यहाँ के क्षेत्रीय जो भी मुद्दे हैं, क्षेत्रीय जिस समाज से का सर्टिफिकेट लगा करके जैसे MLA सांसद बनते हैं, वास्तव में जो संवैधानिक जो अधिकार है, जो आदिवासी को जो संवैधानिक अधिकार है, जैसे कि अनुसूची 5 में जो दे रखा है, वो आज तक धरातल पे लागू नहीं है। और ना ही यहाँ से जितने भी जनप्रतिनिधि जीत के भेजे हैं, उन लोगों ने आज दिन तक इसकी कोई पहल नहीं करी है जी। तो आज क्षेत्र में एक हमारे आदिवासी समाज में एक नई जागृति आई, और जागृति आने के बाद में ये लगा कि बोले कि वास्तव में हमारे समाज के साथ में बहुत ही कुतरागत हो रहा है, हमारे समाज के साथ में कोई शोषण हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है। तो ये जितने भी जनप्रतिनिधि हम यहाँ से बना के भेजते हैं, वो आज दिन तक हमारे लोगों की भलाई के लिए कुछ भी काम नहीं करते हैं, भलाई के लिए काम नहीं करते हैं। एक बार आपके पास आते हैं, ये अभी आपकी बागीदोरा सीट पर भी अब उपचुनाव हो रहा है इसी के साथ में, और पहले यहाँ से माजवेज विधायक है हुआ करते थे, अब आप लोकसभा चुनाव में वे तो अपने सांसद के लिए भागीदारी कर रहे हैं, लेकिन आपके वहाँ से भी अभी प्रत्याशी हम देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर, वो लोग और आप आदिवासी क्षेत्र को लेकर के सोचते हैं क्या हैं, और क्या आखिर अब जिस तरह से पार्टी में एक दूसरे के लिए अदला बदली की जा रही, कोई उस पार्टी में जा रहा है, कोई इसमें जा रहा है, क्या कहते हैं? अभी जो पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की, उस कांग्रेस सरकार में हमारे इस जो उदयपुर संभाग है, इस उदयपुर संभाग में जो आदिवासियों के सबसे बड़ा जो नेता कहे जाते थे महेंद्र जी सिंह मालविया, वो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और वो जल संसाधन विभाग मंत्री थे। मंत्री रहते हुए उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, तो उस भ्रष्टाचार के बाद में जब सरकार वापस चुनाव हुए, सरकार चेंज हुई, BJP की सरकार आई, तो उनको डर था कि कहीं ना कहीं मैंने इतना पैसा खाया है, 1500 करोड़ के आसपास का घोटाला हुआ, तो उनको डर था कहीं कहीं BJP की जो सरकार है वो ED भेज देगी, तो वो ED के डर से भागे हैं BJP के अंदर, बाकी कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। कोई जीत के आसार लगते हैं या BAP वहीं झंडा गाड़ी सुपड़ा साफ हो जाएगा? BAP तो मान के चलिए कि मालविया जी बिल्कुल साफ है वहाँ पर, और बांसवाड़ा सीट 100% BAP के खाते में। ये अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पहले BTP हुआ करती थी, अब BAP है, और युवा लोग खासकर इन्हीं पार्टियों के साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस BJP के साथ क्यों नहीं आते? क्योंकि वो पहले से शोषण कर रहे हैं, और आजकल युवा BAP को चाहते हैं, क्योंकि राजकुमार जी जो युवा के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, और युवा चाहते हैं कि आगे अपने समाज का भी काम हो और खुद का भी आगे, ताकि शिक्षा में आगे बढ़ावा मिले। बांसवाड़ा में आपकी पार्टी जो है वो अभी दम पर रही है बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, क्या ये समझौता सही? उनको पता है कि उनकी सीट नहीं निकल पाएगी, क्योंकि BAP में वहाँ वास्तविक दम है और ताकत है, क्योंकि बाप एक बाप ही होता है, ये बात सबको पता है, बाप एक बाप ही होता है। तो देखिए, ये समर्थक हैं और अपने अंदाज में इन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जिस तरह से भारतीय आदिवासी पार्टी का ये साफ कहना है कि आदिवासी लोगों के हितों की बात को लेकर ही ये पार्टी के साथ जुड़े हैं, और आने वाले दिनों में अब ये दम भी दिखा देंगे, इनका तो ये भी कहना है कि बाप तो बाप ही होता है, और ऐसे में बाप पार्टी का जो ये जादू ज़रूर बढ़ चढ़ कर बोलेगा और आदिवासियों के हितों की बात ज़रूर होगी, इसके लिए लगातार बाप पार्टी जनता के बीच में जा रही है।